मंडला में 7 नवंबर से महात्मा गांधी स्टेडियम में विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर राहत 2 का शुभारंभ होने जा रहा है। विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और सांसद विवेक कृष्ण तनखा समेत रोटेरियन जिले के अधिकारियों ने शिविर स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिविर के दौरान नगर के 3 अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जाएगा। 14 नवंबर तक चलने वाले शिविर में देश भर के 600 डॉक्टर इलाज करेंगे। लगभग 50,000 मरीजों के इलाज का लक्ष्य रखा गया। आयोजन में प्रदेश के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी 9 नवंबर को मंडला पहुंचेंगे। शिविर में जांच, चिकित्सा, दवाएं निःशुल्क रहेंगी। शिविर में मरीजों के इलाज के लिए पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग और रोटरी क्लब ने स्क्रीनिंग शिविर का भी आयोजन किया। निश्चित रूप से जब 44,000 मरीजों ने अपटापी को रजिस्टर कराया है ट्रीटमेंट के लिए, ये एक शोध का भी विषय है, चिंता का भी विषय है और इस पर हमको एक्शन भी लेना चाहिए। अब जब मरीज आएंगे तो हम लोग उस वक्त उनको और गहराई से हमारे डॉक्टर्स उनको देखेंगे। इस वक्त रोटरी इंटरनेशनल के भूतपूर्व अध्यक्ष साबू साहब की टीम आ चुकी है, तमाम दूसरे अस्पतालों की टीम भी कुछ पहुंच चुकी है, कुछ पहुंच रही है, कल से कैंप स्टार्ट होगा। हमारी कोशिश रहेगी मैक्सिमम लोगों को सर्व करने की। 7 दिन के बाद भी जो पेशेंट्स रजिस्टर्ड होंगे उनका सर्जरी या प्रोसीजर जहां भी होनी है उनको बकायदा भेजा जाएगा। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे, उनकी भी व्यवस्था करेंगे। हमारा भी अपना दायित्व है कि हम उनको सहयोग करें और सकारात्मक सोच के साथ सहयोग करें। हमें मालूम है कि जब कोई इलाज कराता है तो किसी को लंबा समय लगता है ठीक होने को, किसी को समय कम लगता है। अपने अपने शरीर और अपने शरीर के अंदर की जो चीज़ें गठी बनी हुई हैं उसके ऊपर निर्भर करता है